अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th के बच्चों का 16 मार्च को है मैथमेटिक्स का पेपर। तो अगर हम आज देखें, आज आप केमिस्ट्री का पेपर लिख के आए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में उसका भी बोल देना कि कैसा क्या था पेपर, मतलब कैसी डिफिकल्टी लगी आपको पेपर में और आपका पेपर कैसा गया इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद। ओके, तो पहले हम क्या बताएंगे, आपका जो मैथमेटिक्स है उसके लिए आपकी जो हॉलीडेज है वो है 3 डेज, राइट। तो आपका 12 को आज केमिस्ट्री का पेपर था, 13, 14, 15 आपके लिए रखा गया है मैथमेटिक्स के लिए, राइट। तो उसमें हमें अब क्या करना है, जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स में आपके दो पोर्शन है, एक तो कैलकुलस पोर्शन हो गया और आपका रेस्ट वाला पोर्शन हो गया। कैलकुलस वाले पोर्शन में आपके जो मार्क्स है वो है 35 मार्क्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 35 मार्क्स है आपके कैलकुलस पोर्शन में, और साथ ही साथ जो बाकी पोर्शन है आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो गया, मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी वगैरह है, तो उसका जो टोटल वेटेज है वो है 45 मार्क्स। तो समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपको कैलकुलस आती नहीं है तो आप ये बताओगे, आपको कोई ये बताएगा कि कैलकुलस पढ़ो 35 मार्क्स तो उसी में से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये भी बताना चाहूँ, 80 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, तो उसमें आपका 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, मतलब 80 में से 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। तो अब अगर आप सिर्फ कैलकुलस पढ़ने बैठो, ये तो पता ही है कि 35 में से तो 35 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है, ठीक है। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम सिर्फ कैलकुलस पढ़े। तो हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है पहले उन 45 मार्क्स को, जो हमारे वो रिलेशंस एंड फंक्शंस वगैरह, मतलब वो भी अलजेब्रा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो आते हैं उसमें, तो वो सबको हमें पहले टारगेट करना है। तो मेक श्योर आप पहले उन चीजों को कंप्लीट कर रहे हो। देखो आज की रात है, कल का दिन और परसों का आधा दिन भी अगर आपको इस सब में लगे, देखो मैथमेटिक्स की बात चल रही है तो थ्योरी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी आपको याद नहीं करनी जिसमें आपको टाइम लगेगा, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि चांसेस है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज कर सको। तो अब हमें ये भी नहीं करना कि हम सारे के सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने बैठे, हमें उसके लिए भी क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें करने हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी की कोई सी भी एक्सरसाइज में आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, और अगर आपको बाकी के रेलेवेंट लग रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस मत करो, बिकॉज इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अभी, तभी जाके आराम से आप सारा का सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। हमें क्या करना है, और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काम अभी आता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने इससे पहले अच्छे से पढ़ रखा है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ही हमें क्या करना है, पहला अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हमें वो 45 मार्क्स टारगेट करने हैं, जो वो रिलेशन फंक्शंस, वो छोटे छोटे चैप्टर्स से जो 45 मार्क्स आते हैं तो उनको हमें टारगेट करना है, बिकॉज 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब कंप्लीट करके जो बाकी के 35 मार्क्स है जो हमारे कैलकुलस से आते हैं, देखो मैं ये नहीं बताऊंगा पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ो, बट ये एटलीस्ट टारगेट रखो कैलकुलस में आप 35 मार्क्स में से एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आराम से लाएंगे, ठीक है। इतना हमें गोल रखना है, ठीक है। अब अगर किसी का फुल मार्क्स टारगेट है उसको उसी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो हमें मिनिमम क्या टारगेट रखना है, 20 मार्क्स तो हमें लाने हैं कैलकुलस के पोर्शन से, और जो वहां पे बाकी का पोर्शन आपका बचता है 45 मार्क्स, उनमें से ट्राई करनी है कम से कम 35 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाए। तो ये हो गया 35 प्लस 20, तो 55 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर पा रहे हो। आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 29 मार्क्स है, ठीक है। अभी मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में से जो भी क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उनमें से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब एटलीस्ट एक सैंपल पेपर को ट्राई करो, मतलब प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैथ्स का जो सब्जेक्ट है ना, अगर आपने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं किया ना, वहां पे बहुत ही टेंशन होगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपको ये लगा कि अभी मुझे बहुत क्वेश्चन करने हैं लेकिन यहाँ से टाइम कम है, तो राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ाओ कि वहां पे आप टाइम को मैनेज आराम से कर पाओगे। तो अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, पहले 45 मार्क्स को अप्रोच करो, उसके बाद 35 मार्क्स वाले जो है उनको अप्रोच करो, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, देखो इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, आराम से, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ये मान लो जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ज्यादा मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा खुद का भी मैथमेटिक्स था, उतना कोई ये बड़ा तूफान नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाता है। क्लास 12 का मैथ्स है वो ज्यादा ही आसान है, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाओ बस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मुझे नीचे केमिस्ट्री का भी बताओ कि कैसा पेपर था, मतलब कैसी डिफिकल्टी लेवल आपको लगी वहां पे, ठीक है। तो बाकी ये कहना था मुझे इस वीडियो में, आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।